लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मैं ऐसा मानता हूं कि वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में अगर हम देखें तो चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या उसके पहले का कोई भी वेरिएंट हो, जहां पर वैक्सीनेशन के दो डोज हो गए ऐसे जगह पर एसिम्टोमेटिक लोग कोरोना इन्फेक्टेड हुए लेकिन सिम्टोमेटिकली कोई बहुत इफेक्ट हुआ है या किसी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से मैं तो ऐसा मानता हूं पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे कोरोना के काल में जो चंद लोग फील्ड के ऊपर लगातार घूम रहे थे, जिनको लॉकडाउन का जिनके ऊपर असर नहीं था क्योंकि उनका काम ही जनता में जाना है, तो इसलिए ऐसे समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो ग्रुप्स है उसमें पत्रकार थे। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत पत्रकारों के लिए आवश्यक है। तो पत्रकारों के लिए आवश्यक है, देश के कई राज्यों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया है पत्रकारों को, बट महाराष्ट्र अब तक के लिए विपक्षी नेता है, लगातार कई लोग ये बातें लिख रहे, मंत्री जी बोल रहे हैं, कहां सरकार सुन रही है? मैं ये समझ ही नहीं पाया कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिये, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, कई लोगों ने निवेदन किया, परंतु जब देश की 15 सरकारें पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करती है, तो वैसे तो हमेशा महाराष्ट्र जो है हम ये कहते कि पुरोगामी है, ये सबसे पहले निर्णय लेने वाला है। पता नहीं इस मामले में कहां अटका है और ऐसी कौन सी बात है जो इसको अटका रही है, पर मेरा अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी अपील होगी कि महाराष्ट्र में तुरंत हमारे तमाम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया जाए।